आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव आया। सभी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, खासकर अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर। अभी हम सारे दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार, कितने दिन हो गए, हम लोगों ने कोई पार्टी वार्टी नहीं की। जिस पर मेरे एक दोस्त शुभम ने कहा, हाँ यार, सच में पार्टी किए हुए तो बहुत दिन हो गए, चलो कोई प्लान व्लान बनाते हैं। जिस पर मैंने कहा, हाँ चलो, पर इस बार पूरी रात का प्लान बनाएंगे। जिस पर मेरे दूसरे दोस्त उत्तम ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर घर में तो पीने का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हम चारों दोस्त ने मिलकर ये तय किया कि आज रात खेत के बगल वाले जंगलों में मिलकर पार्टी करेंगे, मगर ये बात किसी को पता न चल पाए। और वैसे भी बर्तनों का जुगाड़ मदन काका के यहाँ से हो ही जाएगा। और साथ ही हम दोस्तों ने ये भी तय किया कि आज शाम 5 बजे अपने अपने घरों से बहाने बनाकर हम सभी लोग इसी जगह पर मिलेंगे। जिसके बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए। कुछ घंटों के बाद ही मौसम ठंडा होने लगा। जिस पर मैंने घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 5 बजने वाले थे, लिहाजा मैं फटाफट तैयार होने लगा। हालांकि घर पर तो मैंने पहले ही बहाना मार लिया था, इसलिए अब परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। तैयार होकर ठीक 5 बजे उस जगह पर पहुंचा तो सभी लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर हम सभी छुपते छुपाते खेतों की तरफ चल पड़े। उस जंगल में पहुंचकर हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढी और वहीं पर बैठ गए। बैठे बैठे हमने तय किया कि मैं और उत्तम हम लोग सोने का इंतजाम करेंगे और शुभम और प्रकाश खाना बनाएंगे, जिसके बाद हम सभी अपने अपने कामों पर लग गए। फिर जब तक मैंने और उत्तम ने अपना काम निपटाया तब तक खाना बन चुका था और फिर हमारी पार्टी शुरू हो गई। चूंकि मैं शराब नहीं पीता था इसलिए मैं सिर्फ चिकन खा रहा था और मेरे तीनों दोस्त बोतल बोतल खोले जा रहे थे। कुछ एक घंटे तक पार्टी ऐसे ही चलती रही, फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पर लेट गए। बहुत ज़्यादा पी लेने की वजह से मेरे तीनों दोस्त लेटते ही सो गए, पर मेरी आँखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक घंटा भर के बाद मेरी पलकें भारी होने लगी और फिर नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। फिर जब मैं उठा तो पाया कि एक आदमी मांस के बचे कुछ हड्डियों को चबा रहा है। लिहाजा मैं बिस्तर पर से उठा और उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, कौन है, कौन है वहाँ पर? मगर इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मगर ये क्या, उसका सर बिल्कुल ही पीछे मुड़ गया और उसका शरीर वहीं का वहीं रह गया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और चेहरा बहुत ही भयानक था। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनकर सभी दोस्त जाग उठे और वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई और फिर हम लोग रातों रात वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। फिर बाद में कहीं से पता चला कि दरअसल आज से बहुत साल पहले वो जंगल एक कब्रिस्तान हुआ करता था, मगर एक बार रात के वक्त एक आदमी काम से घर लौट रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसे लूटने के बाद हाथापाई में उसकी जान चली गई। फिर उन गुंडों ने उस आदमी को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया था, तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।